हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो आज का हमारा लेक्चर इज़ ऑन पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो अगर हम इसकी बात करें तो इन्वायरमेंट में, नेचर में, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, दे डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन एंड हेंस दे विल इंटरैक्ट टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। सो हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक कम्युनिटी में, नेचर में। सो इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज मैनी इंटरैक्टिव लिंकेजेस एग्जिस्ट, ऑल दो ऑल मे नॉट बी रेडिली अपेरेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे एक मिनिमल कम्युनिटी हो जहाँ पर ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स नहीं है, वहाँ पर भी बहुत सारी इंटरैक्शंस होंगी, प्रेवलेंट होंगी, चाहे वो अपेरेंट ना हो, चाहे वो रेडिली अपेरेंट ना हो, हमें इतने ईजीली दिखे ना, बट दे विल बी प्रेजेंट। एंड उसके बाद इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस। इंटर स्पेसिफिक क्या है? बेसिकली दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में इंटरैक्शंस, दे अराइज फ्रॉम द इंटरैक्शंस ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़। तो बेसिकली हम इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस की ही बात कर रहे हैं। अब ये जो इंटरैक्शंस हैं ये बेनिफिशियल हो सकती हैं दोनों स्पीशीज़ के लिए, दोनों स्पीशीज़ के लिए डेट्रीमेंटल हो सकती हैं, न्यूट्रल हो सकती हैं, दैट इज़ नाइदर हार्म और नॉर बेनिफिट टू वन ऑफ द स्पीशीज़ और टू बोथ ऑफ द स्पीशीज़। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है कि दो स्पीशीज़ अगर आपस में इंटरैक्ट करेंगी, अगर दोनों के लिए वो इंटरैक्शन बेनिफिशियल है तो उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं, अगर दोनों के लिए वो हार्मफुल है, कॉम्पिटिशन, अगर एक के लिए पॉजिटिव है और दूसरे के लिए डेट्रीमेंटल है तो वो प्रेडेशन भी हो सकता है, पैरासिटिज्म भी हो सकता है, और अगर एक को फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा या कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब वो दूसरे के लिए वो एकदम न्यूट्रल है उस इंटरैक्शन का इफ़ेक्ट, तो उसे कमेंसेलिज्म कहते हैं, और अगर एक को नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है और दूसरे को कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो उसे अमेंसेलिज्म कहते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट देखने वाली है कि प्रेडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसेलिज्म, दे शेयर अ कॉमन करेक्टरिस्टिक। वो क्या है कि जो इंटरैक्टिंग स्पीशीज़ हैं दे हैव टू लिव क्लोजली टुगेदर। तो ये तीनों का ये फीचर है, और ये सिंस एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो यू कैन हैव अ एमसीक्यू फॉर्म्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, राइट। सो जस्ट वॉच आउट फॉर सच। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम प्रेडेशन से। प्रेडेशन क्या है? प्रेडेशन इज द नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू अ हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स। जब भी हम प्रेडेशन की बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है कि टाइगर इज़ लाइक प्रेइंग अपॉन अ डियर, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या होगा, ये प्रे होगा और ये प्रेडेटर होगा, हमारे दिमाग में यही आता है। बट अगर हम बिल्कुल बेसिक वे देखें तो जो प्लांट्स हैं, व्हेन इट इज़ ईटन बाय अ डियर, ठीक है, तो ये भी तो एक तरह से प्रेडेशन ही है, राइट। तो एक तरह से प्रेडेशन इज़ द नेचर्स वे कि जो प्लांट्स ने एनर्जी फिक्स की है अब वो हायर लेवल पे जाए, ठीक है, अब डियर तक पहुंच गई, और फिर डियर इफ़ इट विल बी ईटन बाय टाइगर, तो डियर की ये जो एनर्जी है ये टाइगर तक पहुंचे, ठीक है। सो इट इज़ अ नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स, राइट। सो एक तरह से जो प्रेडेशन है वो नेचर्स वे ऑफ एक्टिंग एज अ कॉन्ड्यूट है। कॉन्ड्यूट क्या है? जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स। सो हेंस प्रेडेटर्स दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स, ओके। पर इसके अलावा भी कुछ रोल्स हैं जो प्रेडेटर्स प्ले करते हैं। पहला है कि वो जो प्रे की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में रखते हैं। लेट्स से अगर टाइगर नहीं होगा तो जो डियर की पॉपुलेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि वो इकोसिस्टम उसको, डियर की पॉपुलेशन को सपोर्ट ही ना कर पाए। तो एक तरह से नेचर्स वे ऑफ कीपिंग द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ प्रेडेशन, ठीक है। सी, अब यही इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फॉर प्रेडेटर्स प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी हो सकती है कि इकोसिस्टम इनस्टेबल ही हो जाए।
ओके उसके बाद अगर जैसे कभी कुछ एग्जॉटिक स्पीशीज़ होती हैं जो उस इकोसिस्टम में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई या वहाँ पे नेचुरली नहीं मिलती हैं, किसी बाहर कहीं बाहर से आप लेकर आए हो, तो उनको एग्जॉटिक स्पीशीज़ कहते हैं। तो व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ जियोग्राफिकल एरिया, तो क्या होता है, वो इन्वेसिव हो जाती हैं, बहुत जल्दी फैलने लगती हैं, क्योंकि उनका जो प्रिडेटर है, नेचुरल प्रिडेटर है, वो प्रेजेंट ही नहीं है उस इकोसिस्टम में, क्योंकि वो वाली स्पीशीज़ खुद बाहर से आई हैं। ठीक है, सो दे बिकम इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रिडेटर्स। इसका एग्जाम्पल भी है, प्रिकली पियर कैटर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s। इट कॉस्ट हैवक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इन टू द मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ रेंज लैंड, क्योंकि उसका कोई भी प्रिडेटर नहीं था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो अगर आपको उन जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ है उनको इन्वेसिव होने से रोकना है, सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस बोथ द स्पीशीज़ और उसका जो प्रिडेटर है या जो उसको कंट्रोल में रखेगा, दोनों को इकट्ठे अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तभी उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, और उसके बाद अगर प्रेडेटर बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, और ओवर एक्सप्लॉयट करता है अपने प्रे को, तो भी इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो प्रे है वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, और अगर प्रे एक्सटिंक्ट हो गया तो प्रेडेटर भी तो इवेंचुअली एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो फूड है वो अवेलेबल नहीं होगा, राइट। सो इफ द प्रेडेटर इज़ टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉयट्स इट्स प्रे, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट द प्रेडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर द लैक ऑफ द फूड। इसीलिए जो प्रेडेटर्स होते हैं इन नेचर, दे आर प्रूडेंट, वो ओवर एक्सप्लॉयट नहीं करते प्रे को। सो देयर इज दिस वेरी ब्यूटिफुल बैलेंस विच एग्जिस्ट्स इन द इकोसिस्टम, राइट। देन उसके बाद अब ये भी, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये करेंगे प्रेडेशन में, कि जो प्रे स्पीशीज़ हैं उन्होंने कुछ डिफेंसेस इवॉल्व कर लिए हैं ताकि वो प्रेडेटर से बच सके। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ आपने कैमोफ्लाज सुना होगा। कैमोफ्लाज क्या होता है, फ्रॉग्स जो होते हैं वो जिस जो उनका बैकग्राउंड होता है उसी तरह के कलर अपना, उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेते हैं, एंड दे एक तरह से परफेक्टली हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम द देयर प्रेडेटर्स। ठीक है, सो सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स, दे आर क्रिप्टिकली कलर्ड टू अवॉइड बींग डिटेक्टेड ईजीली बाय द प्रेडेटर। एनिमल्स में ये है। ठीक है, उसके बाद कुछ जो प्रेडेटर्स हैं, ठीक है, सॉरी, कुछ जो प्रे स्पीशीज़ हैं वो क्या करते हैं, दे आर पॉइजनस एंड देयरफॉर दे आर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर्स। फॉर इंस्टेंस जो मोनार्क बटरफ्लाई है, दैट इज़ हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर, दैट इज़ अ बर्ड, राइट। सो ये भी एक तरह से उनका एवोल्यूशन मैकेनिज्म है। देन प्लांट्स की अगर बात करें, तो दे हैव अ लॉट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल कैसे, जैसे थॉर्न्स डेवलप कर लिए हैं कुछ प्लांट्स ने, जैसे केशिया और कैक्टस में, ताकि दे आर नॉट ईटन बाय द एनिमल्स। और केमिकल डिफेंसेस क्या हैं, जैसे कुछ प्लांट्स हैं दे रिलीज सर्टन केमिकल्स विच मेक द हर्बी वो सिक वेन दे आर ईटन, और इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, डिस्टरप्ट इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव दिस एग्जाम्पल ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जो कि एक वीट है, कैलोट्रोपिस प्रोड्यूस करता है, ये ह्यूमन्स में भी मेडिसिंस बनाने के काम आता है। ठीक है, इसी लिए यू नेवर सी एनी कैटल और गोट्स यू नो ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट, बिकॉज इट रिलीजेस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। सो अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स ऑन अ कमर्शियल स्केल, जैसे निकोटिन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्रिचनिन, क्विनीन इज एंटी मलेरियल, ओपियम एट्सेट्रा, दे आर प्रोड्यूस्ड बाई दीज प्लांट्स एज डिफेंसेज अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। तो वो उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। सो यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो कंपटीशन है, दैट अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज दे कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स दैट आर लिमिटेड, बट इट इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि पहली बात यह है कि टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी कॉम्पीट कर सकती हैं सेम रिसोर्स के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगोस और रेजिडेंट फिशेस जो उन लेक्स में हैं, दे कॉम्पीट फॉर द कॉमन फूड दैट इज़ द ज़ू प्लांकटन इन द लेक। सो कॉम्पिटिशन कैन अकर बिटवीन द बिटवीन द अनरिलेटेड स्पीशीज़ फॉर द सेम रिसोर्स। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज़ यह है कि जो रिसोर्स है जिसके लिए कॉम्पिटिशन हो रहा है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिटिंग हो। ठीक है,
द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज इवन इफ द रिसोर्सेज आर अबंडेंट. तो ये है कि अगर ये नहीं है कि रिसोर्सेज कम है तो ही दो स्पीशीज आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, अगर रिसोर्सेज अबंडेंट है तो भी एक स्पीशीज का ये इफेक्ट हो सकता है कि वो दूसरी स्पीशीज की फीडिंग एफिशिएंसी को रिड्यूस कर दे, राइट. सो ये दो एस्पेक्ट्स हैं कॉम्पिटिशन के विच हैव टू बी नोटेड. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, सो कॉम्पिटिशन को अगर हमें डिफाइन करना हो, इट इज़ बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज, ठीक है, इज सिग्निफिकेंटली लोअर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज. सो सिंपल ये डेफिनेशन है इसकी. उसके बाद जैसे अगर हम कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल दें, सो द एबिंगडन टॉर्टॉइज इन गैलापागोस आइलैंड दे बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड, ठीक है, जब गोट्स इंट्रोड्यूस की गई थी उस आइलैंड पे, सो दीज टॉर्टॉइज दे बिकेम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट्स. तो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी जिस वजह से टॉर्टॉइज की एफिशिएंसी इट गॉट डिक्रीज. उसके बाद कॉम्पिटिशन की अगर हमें एक और इससे विद रिस्पेक्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव रिलीज. ये क्या है, अगर एक स्पीशीज जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड है टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज, ठीक है. सो एक स्पीशीज जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज, अगर वो एक्सपैंड कर जाए या फैल जाए ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द अदर स्पीशीज, ठीक है. सो इस चीज़ को, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज. ओके, एंड देन लास्टली वी हैव गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये क्या कहता है कि इफ़ वी हैव टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, ठीक है, वो हमेशा तक हमेशा इकट्ठे नहीं रहेंगे. जो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर स्पीशीज है वो इवेंचुअली एलिमिनेट होगी ही होगी, ठीक है. सो दिस इज गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट. ऑल्सो अब उसके बाद एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, स्पीशीज विच आर फेसिंग कॉम्पिटिशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म्स दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन. सो उसमें हम कहते हैं रिसोर्स पार्टिशनिंग. तो एक तो गॉसे ने ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दे दिया, उसके बाद एक और फिनोमिनन सामने आया कि हाँ, जो ये स्पीशीज़ हैं ये कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स भी डेवलप कर सकती हैं कि वो को एग्जिस्ट करें रादर देन एक्सटिंक्ट ही हो जाए. तो वो को एग्जिस्टेंस का मैकेनिज़म है रिसोर्स पार्टिशनिंग. रिसोर्स पार्टिशनिंग में क्या होता है कि दो स्पीशीज़ ने जो उनकी फीडिंग पैटर्न्स है वो थोड़े से चेंज कर लिए या टाइम चेंज कर लिया, ताकि उन्होंने एक तरह से जो रिसोर्सेज है, सिंस दे वर कॉम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, उसको पार्टिशन कर लिया. सो देन दे कैन को एग्जिस्ट, राइट. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिज्म. सो पैरासिटिज्म बहुत ही ज्यादा कॉमन फिनोमिनन है. पैरासिटिज्म में यह होता है कि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स, ठीक है, रहने की और खाना एक तरह से फ्री मिलता है. सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज़ इन्वॉल्व इन सो मैनी टेक्सोनमिक ग्रुप्स फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स. सो प्लांट्स में भी है और हायर वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमन्स में भी यू हैव पैरासाइट्स एग्जिस्टिंग. ओके, सो अब क्या है, पैरासाइट्स में हमारे पास क्या होता है, वन वी हैव अ होस्ट एंड ऑन इट द पैरासाइट इट फीड्स, ठीक है. तो वो पैरासाइट है वो होस्ट को यूटिलाइज कर सकता है फॉर यू नो फॉर लॉजिंग फॉर फूड, ठीक है, दैट वेज. सो मैनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक. होस्ट स्पेसिफिक क्या है कि जो पैरासाइट्स हैं वो सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट को ही एक्सप्लॉयट करेंगे इन सच अ वे दैट होस्ट एंड पैरासाइट दे टेंड टू को इवॉल्व. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक पैरासाइट एक होस्ट के ऊपर रह रहा है, सो पैरासाइट और होस्ट दोनों को इकट्ठे इवॉल्व होना पड़ेगा, तभी वो एसोसिएशन विल बी लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव पैरासाइट्स, और उसके बाद जो पैरासाइट्स हैं, अब दे हैव ऑल्सो इवॉल्व्ड स्पेशल अडेप्टेशंस, ठीक है, जैसे लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स का लॉस हो गया, देन दे हैव अडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस क्यों हो गया, क्योंकि उसको बना बनाया खाना मिल रहा है जो सिर्फ वो अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सो डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. सो दीज आर द स्पेशल अडेप्टेशन.
डेफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, और जो लाइफ साइकिल्स होते हैं पैरासाइट्स के वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स भी होंगे ताकि पैरासाइटाइजेशन ऑफ प्राइमरी होस्ट हो सके। जैसे कि जब भी पैरासाइट की बात करते हैं तो आजकल क्या होता है, कुछ पैरासाइट्स में वी हैव अ प्राइमरी होस्ट एंड देन वी हैव इंटरमीडिएट होस्ट एज वेल। ठीक है, सो दे कैन हैव मोर देन वन इंटरमीडिएट होस्ट एज वेल। The human liver fluke is a trematode parasite. It depends on two intermediate hosts. कौन से हैं? Snail and a fish to complete its life cycle, right? और अगर हम vector के example दें तो vector का हमारे पास malarial parasite, it needs a vector, female Anopheles mosquito to spread to other host. ठीक है, so the life cycles they are complex. They can have vectors or they can have intermediate hosts. देन टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स में अगर बात करें, एक्टो पैरासाइट्स होते हैं, दे फीड ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। देन इसके एग्जाम्पल्स क्या है, लाइस ऑन ह्यूमन्स एंड टिक्स ऑन डॉग्स, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टो पैरासाइट्स। देन मैनी मेरीन फिश आर इन्फेस्टेड विद एक्टो पैरासिटिक कोपेपॉड्स, तो ये मेरीन फिशेज़ को इन्फेस्ट करते हैं, जैसे टिक्स और लाइस ह्यूमन्स और डॉग्स को पैरासाइट के ऊपर रहती हैं। देन प्लांट्स में वी हैव कस्क्यूटा, दैट इज़ एन एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं, आप इसको बार बार देखेंगे यू विल यू नो याद हो जाएंगे। एंड प्लीज़ डू रीड चैप्टर 13 ऑफ एनसीईआरटी ऑल्सो फॉर द सेम। उसके बाद एंडो पैरासाइट्स क्या होंगे, जो इनसाइड द होस्ट बॉडी रहेंगे, जैसे कि लिवर में रहेंगे तो लिवर फ्लूक होता है, किडनी है, लंग्स है, रेड ब्लड सेल्स में मलेरियल पैरासाइट रहता है। सो वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स, तो जो बॉडी के अंदर रहते हैं उनको एंडो पैरासाइट्स कहते हैं। उसके बाद वन स्पेशल टाइप ऑफ पैरासिटिज्म इज ब्रूड पैरासिटिज्म। इट इज़ अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच द पैरासिटिक बर्ड्स ले its eggs in the nests of its host and lets the host incubate them. क्योंकि जो parasitic bird के eggs हैं वो एकदम जो दूसरी bird है उसके eggs को resemble करते हैं। So this is an example of brood parasitism. Okay. नेक्स्ट इज कमेंसेलिज्म। कमेंसेलिज्म में क्या होता है, इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नीदर हार्म नॉर बेनिफिटेड, है ना, प्लस माइनस की एसोसिएशन है, सॉरी प्लस जीरो की एसोसिएशन है, कि एक स्पीशीज का बेनिफिट हो रहा है और दूसरा इज अनहार्म्ड, है ना, और नॉर हार्म्ड और नॉर बेनिफिटेड। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ऑर्किड इज ग्रोइंग एन एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच। ठीक है, सो ऑर्किड को एक तरह से रहने की जगह मिल गई, बट मैंगो प्लांट को कोई भी या ना फायदा हो रहा है और ना ही नुकसान हो रहा है। सिमिलरली बारनैकल्स ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ द वेल, तो वेल को कुछ भी फायदा नुकसान नहीं होता, पर बारनैकल्स को एक तो रहने की जगह मिल जाती है एंड देन दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, राइट। Then we have examples of cattle egret and grazing cattle. तो ये क्या है, cattle egret को क्या फ़ायदा होता है, कि जब grazing cattle जो है तो वो जब they move through the grass and they are grazing, है ना, grass के through move करते हैं, तो जो cattle egret का food है वो easily मिल जाता है, because that actually becomes एक तरह से accessible हो जाता है cattle egret को, तो इसलिए वो grazing cattle के साथ रहती है। But cattle का तो कोई फ़ायदा और नुकसान नहीं हो रहा है इसमें, right? Then interaction between sea एनिमोन दैट हैज स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड द क्लाउन फिश। ठीक है, सो इसमें फ़ायदा हो जाता है कि क्लाउन फिश कैन एक्चुअली लिव विद इन द टेंटिकल्स एंड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रेडिटर्स। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द एनसीईआरटी। ओके, देन नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, सो अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या है, लाइकिन्स। लाइकिन्स दे रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड अ फोटोसिंथेटिक एल्गे और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एल्गे फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहा है, तो दे विल मेक फूड, और जो फंजाई है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली एल्गे के लिए न्यूट्रिएंट्स और वाटर अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर अब्सॉर्ब कर रहा है फॉर द एल्गे। अब एल्गे न्यूट्रिएंट्स और वाटर अब्सॉर्ब नहीं कर सकता और फंजाई अपना खाना नहीं बना सकता, सो इट इज़ अ म्यूचुअल एसोसिएशन जिनमें दोनों का फ़ायदा हो रहा है। एल्गे को न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिल रहा है और फंजाई को फूड मिल रहा है। उसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, माइकोराइजा। माइको इज अगेन फंजाई, है ना, अगर हम लिटरल देखें, और राइजा इज़ फॉर रूट्स। सो दीज फंजाई दे लिव इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, सो इट इज़ बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स।
फंजा क्या कर रहा है, अब्सॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है अगेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, एंड द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड्स द फंजाई विद एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स और द फूड. सो दीज टू आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स. उसके बाद प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में भी अगर हम देखें, प्लांट्स को हेल्प चाहिए होती है एनिमल्स की फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर. ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को पॉलिनेशन कैरी आउट करने के लिए एनिमल्स चाहिए, और एनिमल्स क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को इन रिटर्न क्या मिल रहा है, दे गेट नेक्टर एंड ऑल दैट. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ प्लांट और एनिमल में देर इज़ दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है, अब जब भी दो इंटरैक्शंस होंगी तो को एवोल्यूशन होगी ही होगी. यहाँ पे भी वही है that the evolution of the flower and the pollinator species that is tightly linked with one another. For example, fig and wasp. तो fig को pollinate करने के लिए we have one species of wasp. ठीक है, तो ये आपस में co-evolve होंगे because they are mutually dependent on each other. उसके बाद हमारे पास जैसे orchids हैं, they also show a lot of floral patterns. ठीक है, ताकि वो right pollinator को attract कर पाएँ और इंश्योर गारंटीड पॉलिनेशन. ठीक है, सो ऑर्किड्स के पॉलिनेट पैटर्न्स होते हैं बहुत डिफरेंट कलर के, फ्लावर्स हैं आपने देखे ही होंगे, ताकि वो राइट पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर पाएँ और इंश्योर कर पाए कि पॉलिनेशन होगी. ठीक है, बट इसमें ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे जो मेडिटेरेनियन ऑर्किड और फायरस होता है, ये ना सेक्शुअल डिसीट इम्प्लॉय करता है टू गेट पॉलिनेशन डन बाय स्पीशीज ऑफ द बी. इस जो ऑर्किड का जो फ्लावर है उसका एक पेटल रिजेंबल करता है फीमेल बी को. ठीक है, इन इट्स साइज कलर एंड मार्किंग्स, तो मेल बी इज़ अट्रैक्टेड टू इट. ठीक है, तो वो क्योंकि उसको लगता है कि जो पेटल है वो एक्चुअली में फीमेल बी है. अब मेल बी क्या करता है, सूडो कॉपुलेट कर देता है, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो फ्लावर है दैट इज़ डस्टेड विद पॉलन्स. तो इससे क्या होता है, इस सूडो कॉपुलेशन से हमारे पास पॉलिनेशन इज इंश्योर्ड. सो दिस इज़ वन ऑफ द अडेप्टेशन दिस फ्लावर हैज़, राइट. अब आपको ये भी देखना है कि अगर इस मेडिटेरेनियन ऑर्किड को इंश्योर करना है कि वो इस फीमेल मेल बी से पॉलिनेट हो, तो जो एवोल्यूशन है, जो उसका पेटल है, वो हमेशा फीमेल बी को रिजेंबल करना चाहिए. तो इसलिए जो फ्लावर है और जो फीमेल बी है, उनकी को एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रा सा भी चेंज हो गया तो मेल बी विल नॉट बी अट्रैक्टेड और ये सारा जो प्रोसेस है ये फुलफिल नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट अकर्स इन नेचर. एंड लास्टली वी हैव अमेंसैलिज्म. अमेंसैलिज्म क्या है, एक स्पीशीज इज़ हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट, द अदर इज़ इनडिफरेंट. सो in which one is inhibited or destroyed and the other is unaffected. So we have to do the examples. Examples mein penicillium hai. Penicillium is a fungi jo penicillin ko release karta hai, aur it actually inhibits the bacteria अराउंड इट. और ये हमने देखा भी है, पेनिसिलिन हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक इन कॉम्बैटिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ठीक है, उसके बाद एक प्लांट्स में भी हमारे पास एग्जांपल है, ब्लैक वॉलनट जुगलन्स नाइग्रा. ये क्या करता है, जुगलॉन सिक्रीट करता है, जो कि बहुत सारे प्लांट्स के को डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है, अब प्लांट जो ब्लैक वॉलनट है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसने तो रिलीज़ करना ही है, बट दूसरे प्लांट्स के लिए नेगेटिव इफेक्ट है. सो दिस इज़ व्हाट अमेंसैलिज्म इज़ ऑल अबाउट. सो लेट्स जस्ट सी अनदर क्वेश्चन. सो अ बायोटिक इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज इज़ हार्म्ड एंड द अदर इज़ अनअफेक्टेड, इसका आपको आंसर पता ही है क्या है, अमेंसैलिज्म, राइट. सो ये जो पॉपुलेशन इंटरैक्शंस वाला चैप्टर है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्लीज़ रीड 13th चैप्टर ऑफ NCERT, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है और आपको इसके एग्जाम्पल्स ज़रूर याद होने चाहिए. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.